आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन जारी है। दरअसल इसमें कई खिलाड़ियों पर छप्पर फाड़ पैसा तो कईयों को मन मुताबिक रकम नहीं मिली। दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग का ऑक्शन में पूरा फोकस अपने उन पुराने खिलाड़ियों पर रहा जिन्होंने पिछले साल या उससे पहले के सीजन में टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। दरअसल टीम ने मेगा ऑक्शन में ऐसे दो खिलाड़ियों को खरीदा, वो भी पहले के मुकाबले कम कीमत पर। दोनों ही खिलाड़ी टीम के लिए पिछले सीजन में मैच विनर साबित हुए थे। इसमें से एक हैं धोनी के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में शुमार ड्वेन ब्रावो और दूसरे रॉबिन उथप्पा। दरअसल आईपीएल 2022 के ऑक्शन से पहले सीएसके ने ड्वेन ब्रावो को रिलीज कर दिया था। उन्होंने पिछले सीजन में चेन्नई सुपर किंग ने 6.4 करोड़ रुपए की सैलरी में रिटेन किया था, लेकिन इस बार ऑक्शन में उसे कम 4.4 करोड़ रुपए में वापस अपने साथ जोड़ लिया है। ब्रावो इस साल सबसे अधिक 2 करोड़ की बेस्ट प्राइस वाले लिस्ट में शामिल थे। जैसे ही ऑक्शन में ब्रावो का नाम पुकारा गया, सीएसके ने ही सबसे पहले वेस्टइंडीज के इस ऑलराउंडर पर बोली लगाई। इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद भी ब्रावो को खरीदने की रेस में शामिल हो गई। सीएसके ने फिर ब्रावो पर 3.2 करोड़ की बोली लगाई। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने 3.4 करोड़ की बोली लगाकर ब्रावो को खरीदने के इरादे जताए। हालांकि सीएसके पहले से ही ब्रावो को खरीदने का इरादा करके ऑक्शन में आई थी, इसलिए सीएसके ने 4 करोड़ की बोली लगा दी, लेकिन दिल्ली भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। आखिरकार 4.4 करोड़ की फाइनल बोली के साथ ब्रावो की अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग में वापसी हो गई। वहीं आपको बता दें, रॉबिन उथप्पा भी बेस्ट प्राइस 2 करोड़ रुपए की थी और उन्होंने पिछले सीजन में चेन्नई सुपर किंग को चैंपियन बनाने में अहम रोल भी निभाया था। इसे ध्यान में रखते हुए जैसे ही उथप्पा का नाम आया, सीएसके ने उन्हें 2 करोड़ की बेस्ट प्राइस में ही खरीद लिया। उन्हें पिछले साल चेन्नई ने राजस्थान रॉयल्स से 3 करोड़ रुपए में खरीदा था और मेगा ऑक्शन में उसे कम 2 करोड़ रुपए देकर अपने साथ जोड़ लिया। यानी कि दो मैच विनर खिलाड़ियों जिन्होंने पिछले साल कुल मिलाकर 9.4 करोड़ रुपए सैलरी के रूप में मिले थे, उसे सीएसके ने इस बार 6.4 करोड़ में अपने साथ जोड़ लिया है। यार दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग के फैन है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।